डिस्टान थाना क्षेत्र के मोगनघट्टी में एक युवक को गोली मारकर 3 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया है। हमला प्रेम विवाह से नाराजगी के चलते अंजाम देने का बताया जा रहा है। अस्पताल में उपचाररत सुरेश बाबूराव निवासी महाराष्ट्र हाल मुकाम मोगनघट्टी होकर पिकअप एवं डीजे चलाने का काम करता है। जब वे लोग करीब सुबह 11 बजे मोगनघट्टी के समीप पहुंचे, मैंने कहा मेरी पत्नी कहाँ है। इतना कहते ही गोरेलाल कैलाश और रायसिंह ने मुझसे मारपीट शुरू कर दी। मेरे पास से 3 लाख रुपए छीन लिए और गोरेलाल ने करीब 3 से 4 फीट की दूरी से मुझ पर फायर कर दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज की जी, आज 11 कहाँ पर? ये मोगट रास्ते पे। क्या हुआ, क्या चाहते थे? मुझे पैसे बोला कि मेरी पत्नी देने के लिए बात हुई थी, पत्नी को लेके नहीं आए। मुझे वो बोले मेरे दोबर से ये टापरा है वहाँ लेके, मुझे बोले आपकी पत्नी वो साइड में रखी है, उनको पत्नी देके पैसे दे दे। मैंने पैसे देने के लिए मना करा, वो पत्नी देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास ही मुझे पाँव मेरे पाँव बांध दिए, मुझे मारपीट करी, मेरे पास से 3 लाख रुपए छीन के ले गए और गोली चला के मुझे धमकी दे देंगे, यहाँ लेना मत, महाराष्ट्र चला जाना, नहीं तो जान से मार देंगे। कौन लोग थे ये? गोरेलाल पिता आपसे गए पिपली खेड़ा का थाना बेड़िया लगता है, और एक मेरे दो साले हैं, एक का नाम कैलाश है, दूसरे का नाम रायसिंह है, और मेरी पत्नी को जहाँ बेचा गया है उसका नाम राहुल वास्कर है, वो भी आया था। मेरी पत्नी को उसको भी बेच दिया सर, मैंने कोर्ट मैरिज करी सर। कितनी गोली लगी आपको? एक गोली लगी सर। क्या कट्टा था क्या जी सर? छोटी बंदूक थी। लेकर आए, क्या मामला सर? ये अभी ये युवक आया है सुरेश पिता बाबू राव, उम्र करीब 40 वर्ष लगभग है। ये बता रहा है कि ये अपने ससुराल के आसपास मोगट गांव के बता रहे हैं, वहाँ किसी ने उनको गोली मारी है, ऐसा बता रहे हैं, मरीज बता रहा है, और उनको बाई तरफ पेट में गोली लगी हुई है। क्या हालत है? गोली सर उसके पेट में है कि बाहर निकल? हाँ, अभी गोली बाहर ही मतलब अंदर ही लग रही है, क्योंकि एग्जिट वाउंड नहीं दिख रहा है, एंट्री वाउंड दिख रहा है। अभी एक्सरे करवाते हैं, जाँच करा के आगे का इलाज कर रहे हैं। स्थिति क्या है मरीज की? अभी तो गंभीर ही है, गोली अंदर है तो गंभीर ही मान के चले। क्या नाम लिखते सर आप? मैं डॉक्टर अशोक वास्की। सर मैंने 28 मार्च को कोर्ट में शादी करी थी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में सर। उसके बाद में कोर्ट में शादी होने के बाद इनके मेरे पत्नी के यहाँ से मुझे धमकी आने लगी, हमारे यहाँ पैसे देते हैं तो आपको 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे, तब हमारे उनको दोनों को मारेंगे नहीं, जान से मारेंगे सर की। फिर मैंने सर 2 लाख रुपये उनको मोबाइल पे उनसे भेज दिए। 2 लाख देने के बाद भी 15 दिन के बाद हमें जान से मारने की धमकी आने लगी, 3 लाख रुपये दो तो जान से मार दिए थे, हम 3 लाख रुपये नहीं दे पाए। फिर मैंने गोलीबारी का सहारा लिया, फिर वहाँ से मुझे मेरी पत्नी नहीं मिली। आज 3 लाख रुपये देने का उन्होंने बताया था तो मेरी पत्नी लेके आने वाली थी, मेरी पत्नी को सामने लेके नहीं आए, दूर रखे थे या कुछ पता नहीं सर, मेरी पत्नी मेरी देखी नहीं। वो बोले कि 3 लाख रुपये हाथ में दो, हम पत्नी लेके आएंगे। मैंने पैसे देने के लिए मना करा, इन लोगों ने मुझे मारपीट चालू करी, मुझे मेरे पाए बांध दिए गए और गोली चलाई सर, तो मेरे पैसे दोबारा से छीन ले गए सर। कहाँ लगी आपको गोली? पेट में लगी सर। अच्छा, कैसे बच के आए फिर आप? तो 100 नंबर पर फोन करा था तो वो लेने आए थे मुझे। अच्छा, पेट पे निकल के चली गई होगी? हाँ, निकल गई सर। अच्छा, क्या पैसे वगैरह भी छीन लिया? ये घटना कहाँ पे हुई? ये मोगन रास्ते पे, मोगन गाँव रास्ते पे, मोगन नाम का गाँव है। कहाँ पे? विस्तार के पास में मोगन नाम का गाँव, उससे पहले वहाँ घटना घटी। मेरे पैसे भी 3 लाख रुपये इन्होंने छीन लिए, मुझे मारपीट भी करी और गोली भी मार के चले गए। किसने करवाया ये हमला आप पे? ये गोरेलाल पिता अफसी उसका नाम है, उसने गोली मारी है। मेरे दो साले हैं, उसका नाम कैलाश पिता गुलाब सिंह, एक का नाम है राय सिंह पिता गुलाब सिंह, और जिसको लड़की बेची है उसका नाम है राहुल वास्कल्ले, वो खंडवा जिले में रहता है, तहसील उसका थाना खलवा लगता है, गाँव करवाने लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पिता बापुरा। प्राइमरी जो रिपोर्ट हुई है गनशॉट इंजरी की है, TI अभी हॉस्पिटल गए हैं, उसकी फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं। जो स्टेटमेंट आया है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट थी कि लड़की को भगा के ले गया था, बाद में लड़की बरामद हो गई और उस डिस्प्यूट में गोली लगने की उसने रिपोर्ट की है, उसके जो स्टेटमेंट उसको वेरीफाई करा रहे हैं। प्रेमा फीसिया काफ़ी ग्राउंड से जिसपे हम पूरी घटना को संदिग्ध मान के चल रहे हैं, उसका हैंड स्वाप भी कराया है और जो वेपन घटना में यूज हुआ था वो भी पास में बरामद हुआ है। तो अभी
जो फैक्ट नरेट किए हैं वो पुष्ट होने शेष हैं। जिन लोगों पर आरोप लगाया गया गोली मारने का वो उस लड़की के परिवार के लोग हैं, तो किन परिस्थितियों में घटना घटी है पूरा हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सारा फैक्ट वेरीफाई होने के बाद ही करेक्ट सिचुएशन सामने आएगी कि एग्जैक्टली घटना क्या है। सुपरफिशियल इंजरी है, कोई मेजर इंजरी नहीं है, तो अभी सारी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही फाइनल इसमें हम लोग डिसाइड कर पाएंगे एग्जैक्टली इंसिडेंट क्या है। जो आरोपी हैं उनके भी वेयर अबाउट्स पता कर रहे हैं, उस समय कहाँ पे थे, उनका निरीक्षण भी ले रहे हैं, तो फैक्ट वेरीफाई होने के बाद फर्दर आपको बताएंगे। डॉक्टरों ने क्या जानकारी दी सर? डॉक्टरों से बातचीत हुई? गनशॉट इंजरी है अभी हमने उसका, गोली की बात नहीं, गनशॉट इंजरी गोली की होती है, गनशॉट इंजरी बताई है। कोर्ट मैरिज की भी बात की है कि लड़की से? मैंने बताया कि लड़की की मिसिंग क्राइम हुई थी, लड़की बालिग थी, बाद में उसके भाई उस लड़की को बरामद करके लेके आ गए थे। उस लड़की की, ये बेसिकली डीजे चलाता है, महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो किस बात को लेकर ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, आज की जो स्थिति है वो क्यों इसने ऐसा नरेशन किया है, पूरी वेरीफाई करा रहे हैं, इसके बाद ही सही फैक्ट सामने आएंगे। पैसे की भी आरोप लगाया कि 3 लाख उसका जो भी स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।